अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं आर्यन अमीर, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। नींद तो नहीं आ रही। चलिए, मेरा आज का टॉपिक है पोस्ट आर्यन थर्ड सेमेस्टर का लीडरशिप मैनेजमेंट का, कि हु इज़ लीडर, एक लीडर क्या होता है। हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। चले आए इसके बारे में, पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि आपने कभी भी हर ज़िंदगी में, हर एक ने जाना लीडरशिप के तौर पर काम किया होगा। किसी ने वार्ड में काम किया होगा, किसी ने कहीं पर काम किया होगा। आज इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि लीडरशिप लीडर होता क्या है। अ लीडर समवन हु कैन सी हाउ थिंग्स कैन इम्प्रूव एंड रियलाइज पीपल टू मूव फॉरवर्ड टूअर्ड देयर बेटर विजन। अ लीडर वो होता है जो कि चीज़ों को जो है ना बेहतर कर सकता है और लोगों को जो है ना रियलाइज़ करता है कि हम आगे फॉरवर्ड जा सकते हैं और उनको बेहतर तरीके से आगे लेके जा सकता है, उसको हम लीडर कहेंगे। ठीक है, आपने भी लीडरशिप के तौर पर काम किया होगा, आपने भी लीडरशिप के तौर पर काम किया होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द लीडरशिप। पहले हमने पढ़ा कि लीडर क्या होता है, अब लीडरशिप क्या होती है। लीडरशिप इज अ वन हु इंस्पायर एंड मोटिवेट द एक्शंस, हैविंग अ कैन डू पर्सनैलिटी एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप स्किल्स इज द की टू लीडिंग द चार्ज। अब लीडर जो होता है वो लोगों को इंस्पायर करता है कि आप जो है ना आगे कब बढ़ सकते हैं, पर्सनैलिटीज को चेंज करता है। इस स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को हम लीडरशिप कहते हैं कि उसके अंदर ये पावर पाई जाती है कि वो लोगों के साथ जो है ना लेके चलता है। जब वो इस चीज़ को चार्ज लेता है तो हम उसको लीडरशिप कहते हैं। हम आज पढ़ेंगे दो टाइप्स होती हैं लीडरशिप की, जो कि इस कैरिकुलम में डिफाइन की गई हैं। हम रिगार्डिंग दिस कैरिकुलम जो है हम दो टाइप्स लीडरशिप की पढ़ेंगे और जो है ना थर्ड सेमेस्टर के पोस्ट आर्यन के अंदर दो टाइप्स हैं। नंबर वन ट्रांसैक्शनल लीडरशिप, नंबर टू ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। अब सबसे पहले कि ट्रांसैक्शनल लीडरशिप कौन सा होता है, आइए हम इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। लीडरशिप, ट्रांसैक्शनल लीडरशिप और ट्रांसैक्शनल मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ द स्टाइल ऑफ लीडरशिप दैट फोकसेस ऑन सुपरविजन, ऑर्गेनाइजेशन और परफॉर्मेंस। ट्रांसैक्शनल लीडरशिप की मैनेजमेंट जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन सुपरविजन और ऑर्गेनाइजेशन और परफॉर्मेंस पर काम करती है। ये मोटिवेट करती है लोगों को रिवार्ड और पनिशमेंट से, ये ओबे करवाना चाहती है लीडर्स को, और टीम क्लोजली काम और क्लोजली मोनिटर्ड बाय एक पर्सन से मोनिटर किया जाता है। अब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होता है, इज़ वन हु एनकरेज द मोटिवेशन एंड द पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑफ द फॉलोअर्स। यानी कि वो पॉजिटिव डेवलपमेंट करती है फॉलोअर्स की, और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो होता है वो पॉजिटिव मोटिवेट करता है और पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑफ फॉलोअर्स करता है। इसकी चार खसूसियात होती हैं, ये सबको इकट्ठा लेके चलता है, उनको जो है ना इंस्पायर करता है कि वो पॉजिटिव सोचें, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन का इंस्पायर करता है कि यार ये काम हम कर सकते हैं, उसके बाद मैनेज करता है, इसको कहते हैं मोटिवेशनल ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। आइए थोड़ी सी इनकी डेफिनेशन और इनका डिफरेंस ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांसफॉर्मेशनल के अंदर क्या डिफरेंस है हम पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है कॉन्सेप्ट, इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है इन दोनों का, अभी इनके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बोथ। नंबर वन इज ट्रांसैक्शनल लीडरशिप, उसमें क्या है, लीडर लेज एम्फेसिस ऑन हिज रिलेशनशिप विद फॉलोअर्स। वो बेसिकली क्या है, एम्फेसिस रिलेशनशिप जो है ना फॉलोअर्स के साथ बनाता है कि वो कहते हैं कि तुम एक जूनियर हो, तुम एक जो है ना तुमने मेरा फॉलो करना ही करना है। जबकि जो आपका ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होती है उसके अंदर वो कहता है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप लेज एम्फेसिस ऑन द वैल्यूज, आइडियल्स, मोरल्स एंड नीड्स फॉर आवर फॉलोअर्स। ट्रांसफॉर्मेशनल जो है वो आपको जो है ना लीड करता है, एम्फेसिस करता है आपके ख्यालात को, आपके वैल्यूज़ को वैल्यू देता है और उसको अच्छे तरीके से लेके चलता है। अब हम पढ़ते हैं कि इनके नेचर्स कैसे होते हैं। ठीक है, नेचर बेसिकली क्या है, मतलब कि इन बाय नेचर जो ये दोनों लीडर्स हैं ये किस तरह की खसूसियात डिफरेंट रखते हैं, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ट्रांसैक्शनल जो होगा वो रिएक्टिव होगा और ट्रांसफॉर्मेशनल जो होगा वो प्रोएक्टिव होगा। समझ आई आप लोगों को, नहीं चलिए ये देखें पिक्चर में आपको बताता हूँ। रिएक्टिव ये होगा कि वो रिएक्टिंग ऑन द प्रॉब्लम आफ्टर इट राइज, जब रिएक्ट हो गया वो रिएक्ट करेगा कि यार ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जब क्रिएट हो गई है उसके बाद वो परेशान हो जाएगा। और ट्रांसफॉर्मेशनल होगा वो प्रोएक्टिव होगा, वो प्रॉब्लम को पैदा होने से पहले ही क्रिटिकल थिंकिंग करके उससे पहले सोल्यूशन उसका ढूंढ लेगा, उसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है।
लीडर है और इसने प्रोएक्टिव तरीके से इस पे काम किया है और इसको उसने सॉर्ट आउट किया है, हर तरीके से उसने इसको ख़त्म कर लिया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगली, इन्वायरमेंट कैसा बिहेव कैसा करता है, एक इन्वायरमेंट कैसा क्रिएट कर सकता है। ठीक है, उस सूटेड इन्वायरमेंट कौन सा डेवलप करता है, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशनल किस तरह का इन्वायरमेंट में रहता है, और ट्रांसैक्शनल जो ट्रांसफॉर्मेशनल जो होता है वो किस तरीके से अपने आप को स्टेबल करता है। आइए, ट्रांसैक्शनल लीडर सेटल्ड और ट्रांसफॉर्मेशनल टर्बुलेंट इन्वायरमेंट में रहता है। सेटल्ड इन्वायरमेंट और टर्बुलेंट इन्वायरमेंट, टर्बुलेंट की आपको समझ नहीं आई होगी, आइए देखिए। अब कभी आपने देखा होगा समंदर हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कुछ समंदर होते हैं बिल्कुल शांत रिलैक्स रहते हैं, उस पर जब कोई कश्ती चल रही होती है तो बिल्कुल आराम से चल रही है। दूसरी तरफ दूसरी पिक्चर में आप देखें आपको टर्बुलेंट तूफानी आई हुई है, फुल सुनामी का माहौल चल रहा है, तो उसमें भी जब कश्ती चल रही उसमें भी वो रिलैक्स तरीके से अच्छे तरीके से अपनी कश्ती को लेकर चले तो उसको कहेंगे टर्बुलेंट इन्वायरमेंट में वो काम कर सकता है। अब हम तीसरी इसमें डेफिनेशन पढ़ते हैं कि वर्क फॉर, मतलब ये कि जो इन दोनों लीडर्स हैं वो किस तरीके का काम करते हैं और किस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिफरेंट तरीके से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में सूटेबल काम कर सकते हैं उनको आसानी होती है। ट्रांसैक्शनल जो होता है वो डेवलपिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, और ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। मतलब ये है कि क्या होगा जी, ट्रांसैक्शनल जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिवेल्प करेगा, जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल उसको बढ़ाएगा और उसको इनोवेट करेगा और उसको नई चीज़ों की तरफ लेके जाएगा, न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करेगा। जो एग्जिस्टिंग को लेके उस पर इनोवेशन करेगा उसको हम ट्रांसैक्शनल कहेंगे, जो न्यू स्टाइल को बनाएगा उसको हम ट्रांसफॉर्मेशनल कहेंगे। अब ये दोनों लीडर्स किस तरीके से काम करते हैं ये देखें, अब ये जवान है, अब हम कहेंगे ये डांस कर रहा है, कोई कहेगा ये कर्तव्य करके दिखा रहा है, हम हर पर्सन का अपना एक स्टाइल होता है, तो अभी हम पढ़ेंगे कि ये कौन से स्टाइल से काम करते हैं। अब जो ट्रांसैक्शनल होता है, ट्रांसैक्शनल बेसिकली आपका ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल से काम करता है, हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा कि ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, तो अब यहाँ पढ़ते हैं कि ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल से ट्रांसैक्शनल काम करता है। सबसे ऊपर वाला टॉप वाला नीचे को कहेगा, नीचे वाला सबसे नीचे वाले को कहेगा, और ये इस तरह से ऑन अपने ऑर्डर्स को फॉलो करवाएगा, ओबेज करवाएगा, ओबे द ऑर्डर्स करेगा। ठीक है, और जो ट्रांसफॉर्मेशनल होगा वो सबके साथ लेके चलेगा, सबके साथ बैठ के काम करेगा और सबको कहेगा यार देखो इस तरीके से हम चलेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। इस फॉर्मेशन को कहते हैं क्रिज्मेटिक, जो है लीडरशिप फॉर्मेशन कहते हैं, इसलिए ये क्रिज्मेटिक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कहलाता है, ये सिचुएशन जो होती है क्रिज्मेटिक कहलाती है। अब देखते हैं कि हाउ मैनी लीडर्स इन अ ग्रुप, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल टाइप में कितने लीडर होते हैं और ट्रांसैक्शनल में कितने लीडर होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो होती है, ट्रांसैक्शनल लीडरशिप में वन वर्सेस मल्टीपल, ये दो चेंजेस होती हैं। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसैक्शनल होता है उसमें एक लीडर होगा, ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल से काम करेगा, वो कहेगा कि मेरा ही फॉलो ऑर्डर फॉलो करो, मेरा ही हर चीज़ को लेके चलो, जबकि मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशनल के अंदर मल्टीपल लीडर्स होंगे, सारे एक दूसरे की बात सुनेंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि तुम हाउसकीपिंग के स्टाफ हो तो तुम्हारे साथ मैं काम नहीं कर सकता, तुम जो है हमारे लीडरशिप में नहीं आ सकते, तुम काले हो गोरे हो, कुछ भी नहीं कहेंगे, वो हर एक का सुनेंगे, हर एक के साथ बैठेंगे, हर एक का मसला सुनेंगे, उसको तरीके से लेके चलेंगे, उसको हम ट्रांसैक्शनल कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशनल कहेंगे। अब फोकस, अब जो फोकस है वो बेसिकली कौन सी चीज़ जो है वो फोकस करती है, किस तरीके से जो है ट्रांसफॉर्मेशनल किस तरीके से चलते हैं और किस चीज़ पे फोकस करते हैं। अब ट्रांसैक्शनल जो है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन पे फोकस करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल जो है इनोवेशन पे फोकस करते हैं, इन्वेंट करते हैं नई चीज़ें। देखें जो ट्रांसैक्शनल है वो देखें उन्होंने क्या कि पुराने वक्तों में क्या जी हाथी, उन्होंने दो हिरन बनाए, उन्होंने पीछे से कहा कि इस तरह पिक्चर बना के दिखाया अपने ग्रुप वालों को, कहा कि हम इस तरीके से पकड़ेंगे, जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल ने बैठे सब ने अपने अपने ख्यालात जोड़े और बताया कि यार अगर हम इस तरीके से चलेंगे, हर एक के हमने ख्यालात को सुना, फिर हमने जो एक तज़िया निकाला वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर करता है। ट्रांसैक्शनल लीडर में सिर्फ पिक्चर बनाई कि हम इस तरह पकड़ेंगे, दिस इज़ इट, किसी का नहीं सुना, कोई किसी की हमने फॉलो नहीं किया, हम इस तरीके से जो है ना कर सकते हैं, किसी के ख्यालात नहीं सुने। अब मोटिवेशनल टूल कौन कौन से जो है ना, दोनों ग्रुप किस तरह के मोटिवेशनल टूल इस्तेमाल करते हैं ये देखें। बिफोर आई मेट यू माई लाइफ हैड ऑन नो पर्पस, किसी की कोई इसकी ज़िंदगी नहीं थी, स्क्रू ड्राइवर की। ठीक है, इसी तरह ट्रांसैक्शनल अट्रैक्ट्स द फॉलोअर्स बाय पुटिंग देयर ओन सेल्फ इन द फर्स्ट प्लेस। ट्रांसैक्शनल अट्रैक्ट करता है फॉलोअर्स को
by putting their own self interest in the first place. किस तरह, मतलब ये कि वो आपके साथ चाय पिएगा. ट्रांसैक्शनल सिर्फ कहेगा कि यार तुम ही मेरे हो, तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा हो जाए, पोलाइट होगा, लेकिन काम ख़त्म होने के बाद आपको सेटल डाउन कर देगा. देखो ट्रांसफॉर्मेशनल जो होगा, स्टिमुलेट करेगा फॉलोअर्स बाय सेटिंग ग्रुप इंटरेस्ट एज अ प्रायोरिटी. वो जो है आपके साथ ग्रुप में बैठेगा, आपके साथ जो है ना प्रायोरिटी के साथ बात करेगा, आपको साथ हर चीज़ को स्टेबल करके इकट्ठे लेके चलेगा. ये नहीं कहेगा कि यार तुम अकेले आके मिलो मुझसे, वो सबके ग्रुप के साथ बैठेगा. अब आए हम समराइजेशन करते हैं इस चीज़ को कि हमने क्या पढ़ा आज. हर चीज़ को हम लेके चलते हैं, 5-7 चीज़ें हैं, हम अभी इसको डिफाइन करते हैं जिससे हम अपनी लीडरशिप को, स्टाइल को डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, कभी भी पेपर में आएगा तो किस तरीके से हमने किस किस बेसिस के ऊपर हम अपने लीडर्स को डिफाइन कर सकते हैं. चलें जी. अच्छा जी, बेसिस फॉर कंपैरिजन, ट्रांसैक्शनल लीडरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेशनल मीनिंग. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डेफिनेशंस क्या हैं. तो ट्रांसैक्शनल लीडर है वो स्टाइल है एंड प्लेज द रिवॉर्ड पनिशमेंट फॉलोइंग मोटिवेशन फॉलोअर्स ट्रांसैक्शनल लीडरशिप करता है. जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल जो है लीडर स्टाइल इन विच द लीडर एम्प्लॉयज क्रिस्मेटिक एथियोजिंग इन टू इंस्पायर हिज फॉलोअर्स इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप. नंबर टू कॉन्सेप्ट, लीडर लेज एम्फोसिस ऑन हिज रिलेशनशिप विद फॉलोअर्स. लीडर ले नंबर ट्रांसफॉर्मेशनल में लेज एम्फोसिस ऑन द वैल्यूज आइडियाज एंड नीड्स एंड मॉरल्स पे काम करता है. नेचर रिएक्टिव होती है, ये इसकी प्रोएक्टिव होती है. जबकि सूटेड क्या है, ये सेटल्ड इन्वायरमेंट में ईजिली काम कर सकता है, लेकिन ये टर्बुलेंट किसी किस्म के भी इन्वायरमेंट में काम कर सकता है. वर्क, ये एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में सिर्फ काम कर सकता है, ये एग्जिस्टिंग कल्चरल में चेंज करता है उसको, इन्वायरमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करता है, रेवोल्यूशनाइज करता है, उसको बढ़ाने की कोशिश करता है. ये बस हुक्म सादर करता है, जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल क्रिज्मेटिक सबको साथ लेके चलता है. ये सिर्फ एक बंदा होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल के अंदर जो होता है एक लीडर काम करता है. ये ट्रांसफॉर्मेशनल में मल्टीपल लीडर्स सबको कहता है कि यार अब भी लीडर हो, मैं नहीं सर ये लीडर है. हर बंदे अपने ख्याल जाहिर कर सकता है. फोकस जो है और ट्रांसैक्शनल जो है सिर्फ प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में करता है, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशनल सबकी सुन के सबकी जो है ना वो देखता है कि किसका आइडिया बेहतर है, वो उस पर चलते हैं. और जो मोटिवेशनल टूल होता है, मोटिवेट किस तरीके से होते हैं, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिंग द फॉलोअर्स बाय पुटिंग देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट इन द फर्स्ट प्लेस. दैट मीन्स कि वो अट्रैक्ट करता है लोगों के साथ अकेले मिलके, वो कहता है यार तुम ही सबसे बेहतर हो, जबकि उसके अंदर वो कहता है कि जो है ना सारे बेहतर हैं, सबको ग्रुप में लेके चलता है. जी थैंक यू. किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ कर सकता है, किसी का सवाल है तो प्लीज़ करें. मुझसे सवाल करने के लिए मुझे कमेंट में कर सकते हैं, मुझे जो है आप किसी भी ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आपको कोई सवाल का जवाब दे सकूँ. कोई ऐसा मसला नहीं है, किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज़ कर सकते हैं. थैंक यू. Websites. Thank you so much. Allah Hafiz. बहुत शुक्रिया आप लोगों का.